हेलो एवरीवन दिस इज़ योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म फर्स्ट ऑफ क्लास टेंथ एंड योर सब्जेक्ट इज़ साइंस ओके आज हम इसे सॉल्व करेंगे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं आपका जो बच्चे क्वेश्चन पेपर है उसमें थ्री सेक्शंस हैं और इस थ्री सेक्शंस में आपने फर्स्ट ए सेक्शन में ट्वेंटी फोर क्वेश्चनस दिए हैं आपको ट्वेंटी फोर क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से ट्वेंटी करने हैं बी सेक्शन में भी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हैं और आपको इसमें भी ट्वेंटी क्वेश्चन देन सी सेक्शन इट हैज़ ट्वेल्व क्वेश्चन और आपको टेन क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं यानी आपको टोटल करने हैं यहाँ पर फिफ्टी क्वेश्चनस ओके तो ये है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बड़े आराम से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी डर के नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए सेक्शन ए में ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको ट्वेंटी करने हैं यस फर्स्ट क्वेश्चन इज रीमा टुक फाइव एम एल ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्सीमेटली फोर एम एल ऑफ़ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू इट ओके लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया है बीकर में फाइव एम एल और उसमें एड किया है हमने पोटेशियम आयोडाइड तो वट वुड शी ऑब्जर्व तो स्टूडेंट दिस इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज राइट वन येल्लो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड ओके येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड दिस इज़ योर राइट आंसर नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट आपको जाना पहचाना लग रहा है आपकी बुक का एक्सपेरिमेंट है यू हैव टू आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चे और ये जो गैस इवॉल्व हो रही है आप एक कैंडल पास में लाओगे एंड दिस गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड तो पॉप साउंड से आपको पता चल जाएगा कि दिस गैस इज व्हाट हाइड्रोजन ओके बी ऑप्शन इज राइट वन दैट इज योर हाइड्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया है मेटल डाइल्यूट एफ मेटल सॉल्ट गैस फिर आपको ऑप्शंस दी हुई हैं और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट तो बेटा आपने फर्स्ट देखो कॉपर गैस इवॉल्व यस लिखा है नो देन आयरन यस बिल्कुल सही है थर्ड वन मैग्नीशियम नो लिखा है ये भी गलत है देन फोर्थ ऑप्शन जिंक यस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व तो आपके जो राइट ऑप्शंस हैं दे आर डी पार्ट सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट वन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से तो आप देखो फर्स्ट वन आयरन जो है वही बैलेंस्ड नहीं है सेकेंड में आप देखोगे 3fe is there fe3 okay then 8 hydrogen are there hydrogen is also balanced 4 oxygen oxygen is also balanced so my dear students right option is b1 b is the right option next question is question number 5th आपको ग्राफ दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जिसमें एसिड प्लस एल्ली सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं पीएच पूछा गया है सॉल्यूशन का चेंज कब होगा जब हम उसमें एक्सेस ऑफ एसिड ऐड कर रहे हैं तब पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा तो विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट तो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा जिसका पी एच से कम होगा तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिख रही है डी वाली तो आपका राइट right आंसर क्या होगा योर राइट राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओके दिस इज योर राइट आंसर क्यों बेटा क्योंकि एसिड सॉल्ट दोनों पूछे हैं ना तो सेवन पे न्यूट्रल होता आपको है आपको बताए लेस देन सेवन डी पॉइंट है तो डी इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स रिएक्शन दे रखी है आपको आयरन विद कॉपर सल्फेट विच ऑप्शन इन द given टेबल करेक्टली represent द substance oxidized एंड द रिड्यूसिंग एजेंट तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बेटा देखो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो एक तो आयरन है है ना दूसरा अगर ये आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूजिंग एजेंट जो आपका पूछा गया है यहाँ पर आ, कौन सा है दैट इज ऑल्सो आयरन ओके तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें विच ऑप्शन इज राइट वन यस इट इज ए ऑप्शन तो ए ऑप्शन पर आप टिक लगा लोगे सबस्टांस ऑक्सीडाइज आयरन प्रोड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो आयरन यस योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एज अब यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन ने रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड बनाना है शन इज दिस यस दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन सी ऑप्शन इज राइट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्वेश्चन एट विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको कौन से रिएक्टेंट से मिलेगा ओके कौन से एसिड बेस से मिलेगा फर्स्ट वन देखिए आप एच सी एल एन एच है तो यहाँ पर तो बेटा कार्बोनेट का नामो निशान नहीं है तो सेकंड देखिए येस कार् सेकेंड ऑप्शन इज राइट वन बिकॉज थर्ड में अगेन देर इज नो कार्बोनेट देन डी ऑप्शन में भी नहीं है तो राइट ऑप्शन इज योर बी पार्ट ओके बी इज राइट वन नेक्स्ट इन नाइन्थ क्वेश्चन हाउ विल यू प्रोटेक्ट yourself सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल ड्यूरिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड तो मैंने आपको चैप्टर भी जब ये करवाया था बच्चे अपनी वीडियो में तो उसमें मैंने साफ साफ बताया था आपको कि जब भी हम डायल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी एसिड का कंसनट्रेटेड एसिड का तो हम डायल्यूशन कैसे करते हैं बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग जो जिससे जो आपका रिएक्शन uh, है वो एक्सप्लोजिव नहीं होता ठीक है सो राइट ऑप्शन इज ए वन नेक्स्ट इज योअर टेंथ क्वेश्चन वॉट इज इट वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन तो बेटा ये आपने पढ़ा है अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर में कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं बिकॉज टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सो राइट योर आंसर इज सी ऑप्शन सही है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स ए बी सी एंड डी सिलेक्ट द ऑप्शन विच आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और करेक्टरिस्टिक्स तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है भाई आपको ऑप्शन ये डायग्राम दिया हुआ है ध्यान से इसको देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट है तो फर्स्ट आप देखिए ट्रे तो ट्रैकिया जो पार्ट बताया है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी इट इज़ स्पोर्टेड बाय बोनी रिंग्स ऑफ कंडक्टिंग इंस्पायर्ड रिंग्स ओके यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो ट्रैकिया है ये बोनी रिंग्स हैं इसमें पर बोनी रिंग्स क्यों हैं ये तो ट्रैकिया को क्लेप्स होने से बचाते हैं तो बी पार्ट में रिब्स आप जब ब्रीद आउट करते हो ब्रीद करके देखिए बाहर की तरफ एक्जेल करिए तो आपकी रिब्स लिफ्टेड होती हैं नो बिल्कुल नहीं वो तो रिलैक्स होती हैं देन सी पार्ट इज एलवी ऑली थीन वोल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसे आपका राइट ऑप्शन है सी पार्ट क्योंकि डी अगेन इट इज रॉन्ग सी ऑप्शन इज राइट वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट इन जाइन दैट इज सिक्रिटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी तो देखिए भाई क्या है आपका सही देखते हैं लोकेशन वन में क्या सिक्रेट हो रहा है ए पार्ट में दे रखा है लिपेस तो बिल्कुल गलत है माउथ में लिपेस कहाँ से सीक्रेट हो जाएगा बी पार्ट में देखिए माइलस बिल्कुल सही है स्टमक में आपके पेप्सिन सेकंड थर्ड वाला ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में यस योर राइट आंसर इज बी पार्ट ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन तो ये आपने बुक में बहुत अच्छे से कर रखा है डी ऑप्शन इज राइट वन वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स यही डिसाइड करते हैं टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको फिर से फिगर दी हुई है ये ब्लड सर्कुलेशन की ह्यूमंस में वन टू फोर पार्ट्स दिए हैं आइडेंटिफाई करना है आपको द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शंस कि आपको जो ये फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर इनमें से सही क्या है पलमरी वेन क्या करती है बेटा टेक्स एमप्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट तो क्या ये सही है पलमरी वेन जो है आपका प्योर ब्लड लेकर आती है लंग से लेकर आती है ठीक है तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है पलनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि पलनरी आर्टरी तो आपके हार्ट से लंग्स में लेकर जाती है ब्लड को देन सी ऑप्शन ए ऑटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स लेकिन यहाँ पर जो आप देखोगे फिगर में ये जो ए है वो जो थर्ड पार्ट में बनाई है ये बिल्कुल गलत बनाई है ठीक है ये एटा नहीं हो सकती क्योंकि एरोटा में ब्लू कलर का ब्लड दिखा रहे हैं डी जबकि एटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ओके तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा तो राइट ऑप्शन क्या है आपका ये विने कैवा जो है दैट टेक्स ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल बिल्कुल सही है डी ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट फिफ्टींथ क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फेस ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ रिप्रजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हर्ट गिवन बिलो एरोडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन ये एरोज बता रहे हैं आपके कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेंट्रिकल्स में ओके okay? वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ये साइड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होने वाला है ठीक है तो चलो देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है ए में कहता है वो ब्लड ट्रांसफ़र टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सैमली बिल्कुल गलत ठीक है देन बी पार्ट में ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज़ पम्प इन टू वेरियस ऑर्गन सैमल्टेसली बिल्कुल सही ठीक है ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए और दूसरी तरफ जो हो रही है आपके लेफ्ट साइड पे कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में वहां से पंप होगा ब्लड आपका वेरियस ऑर्गन्स में सो योर राइट ऑप्शन इज बी वन बी वन इज राइट ऑप्शन यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अगेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर ये लाइफ प्रोसेस के बेटा क्वेश्चन है सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट आपको दिया गया आपको मैच करना है लेबल करना है कॉलम वन को कॉलम टू के साथ तो देखिए जरा क्या किया है इन्होंने कॉलम वन में द लेंथ ऑफ द uh, फर्स्ट वाले में आपको मैच करोगे तो आप क्या आएगा यस yes, फर्स्ट में आपका आएगा बी पार्ट ओके इनिशियल फेस ऑफ स्टार्स डाइजेशन ये माउथ में होता है सेकेंड में आपका आएगा सी पार्ट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज इनजाइम एक्शन क्योंकि लीवर है ना देखो सेकेंड पार्ट आपका लीवर है तो ये बाइल सिक्रीट करता है जो मीडियम को अल्कलाइन बना देता है इमल्सिफाई फैट्स को कर देता है और लिप का काम आसान कर देता है तो आपका सेकेंड में जाएगा सी uh, वाला पार्ट ओके थर्ड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बताइए फर्स्ट पार्ट तो ये बेटा आपकी जाएगी डी पार्ट के साथ दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स अगेन फोर बताया आपको तो फोर्थ पार्ट आपका ए के साथ जाएगा क्योंकि जो लेंथ है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ये डिपेंड करती है हर्बी वर्स होंगे तो उनमें लॉन्ग होगी है ना वो वैसा फूड खाते हैं सेलुलोस डाइजेस्ट करने में उनको ज़्यादा टाइम चाहिए तो हर्बी वर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होगी और कार्निवोरस की कम होगी तो आपका जो राइट right आंसर है इसमें दैट इज़ आइए देखते हैं येस दिस इज़ बी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ तो हमने स्मॉल कैविटी को लार्ज करके देखना है यहां पे तो so, आपका राइट right आंसर होगा कनकेव मिरर सी ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट वन यस नेक्स्ट है एटीन क्वेश्चन एटींथ क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स बेटा बताए हुए हैं ठीक है कन्वर्जिंग लेंस के ठीक है तो कन्वर्जिंग लेंस होती है आपकी कॉनकेव ओके okay? और डाइवर्जिंग होती है आपकी कन्वेक्स ठीक है तो कन्केव को कन्वर्जिंग बोला गया है तो आइए जरा देखें हम फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि इमेजेस बाद में बन रही हैं देन सेकंड भी नहीं हो सकता हाँ जी यहाँ देखिए आपका जो राइट right ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है इसमें ठीक है इसमें जो इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड तो आपका सी ऑप्शन सही है सी ऑप्शन इज राइट वन यस नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरल बीम ऑफ लाइट वन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट सो योर यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से एक पैरल बीम ऑफ लाइट जब लाइट आपकी किसी पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट होती है तो वो किस में बनती है पैरल बीम यस yes, पैरल आपने किस में पढ़ा है ए ऑप्शन इज राइट वन कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस अब तक आपने यही पढ़ा है ए ऑप्शन इज राइट वन पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनती है जब लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट होती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कंसीडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास का दे रखा है आपको एयर का वाटर का बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ थ्री मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन ड्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो सबसे ज्यादा आप पहले देखोगे तो एयर वाला सी ऑप्शन में है येस yes. देन उसके बाद वाटर की होती है बिल्कुल ठीक देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो विच ऑप्शन इज राइट वन सी ऑप्शन इज राइट वन सी ऑप्शन इज राइट वन तो ये नॉलेज आपको होना जरूरी है कि किस मीडियम में ज़्यादा होती है स्पीड नेक्स्ट इज ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ओके क्या बोला मैंने इफ अ बीम ऑफ राइट लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट बोथ आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म ठीक है फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वी रिस्पेक्टिवली ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डी वन इज द करेक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एग्जाम द अब फिगर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट तो ये आपने देखना है आपको डायग्राम दे रखा है वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर यहाँ पर आप देखोगे फोकल लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन दैट वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ देखिए काउंट कीजिए येस इट इज़ माइनस थ्री सेंटीमीटर और ये कितनी इमेज कितनी मैग्नीफिकेशन की इमेज बनाएगी माइनस वन तो वेयर इज द ऑप्शन यस बी ऑप्शन इज राइट वन द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ माइनस थ्री सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन माइनस वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आपको डायग्राम दे रखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट अ पॉइंट ओ ऑन द हेमी ग्लास स्लैब इज यहाँ बताना है आपको पॉइंट ओ में क्या है Angle of incidence from air to glass at point O. Yes. This is 0 degree. Which option is right one? B1. Okay. Next is 24th question. Again, prism ka question hai, ABC with B C as base is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below. Uh, now figure in which

Which one? B option is right one. Yes. Next is your question. Section B. beta इसमें भी आपके 24 questions hain है, question हैं number 25 se leke से tak hain jisme तक हैं जिसमें से आपको hain क्वेश्चन करने हैं तो जो भी ये ध्यान रखिएगा आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट जो आप अटैम्प्ट करोगे ट्वेंटी क्वेश्चन वही कंसिडर किए जाएंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है लाइम स्टोन वैन यू हीट दिस स्टेप वन में तो आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं एक्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सेकेंड स्टेप में ओके तो आपके पास आता है स्लेट लाइन ओके जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने करेक्ट ऑप्शन टेबल नीचे दे रखा है उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करनी है बच्चे जो रिप्रेजेंट करती है टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप वन एंड टू तो स्टेप वन में देखो किस टाइप का हो रहा है यहाँ पर जब लाइमस्टोन हीट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा है ना तो इट इज़ एंडोथर्मिक देन सेकेंड स्टेप में देखिए सेकेंड स्टेप में हीट रिलीज होगी जब वाटर ऐड करेंगे हम ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो हीट रिलीज होगी इट मीन्स एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक स्टेप वन इज एंडोथर्मिक थर्मिक एंड स्टेप टू इज एक्सोथर्मिक सो सी ऑप्शन इज राइट वन विच वन इज राइट सी ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट इन विच एयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाइएस्ट तो यहाँ पर देखिए आप कि आपको ये लाइन दिख रही है इसमें जो आपको कंसेंट्रेशन बता रही है पी वैल्यू बता रही है ठीक है और एयर्स भी आपको दिए हुए हैं हॉरिजोंटल लाइन में तो बेटा सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन आयन की हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होती है एसिड्स में और एसिड्स की पीएच वैल्यू होती है सबसे कम तो यहाँ पे किस ईयर में पूछा गया है हाइड्रोजन आयन हाईएस्ट होगा तो आप बताओगे एसिड रेन कब है यहाँ पर जिसकी पी वैल्यू सबसे कम होगी दैट इज़ योर टू ईयर ओके दिस ईयर टू तो यहाँ पर आपका राइट right ऑप्शन है विच वन ए वन समझ में आया आपको क्योंकि पी एच वैल्यू सबसे कम होगी तभी एच आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी तो ए ऑप्शन इज राइट वन द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डायल्यूट एसिड यहाँ हमने मेटल्स डाले हैं और डायल्यूट एच है तो आपको बताना है व्हाट इज़ द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी तो बेटा जो आपका मैग्नीशियम है ये जब एच के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और बींग लाइट इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ठीक है दैट इज़ वाई इट शोज सच टाइप ऑफ बिहेवियर सो योर राइट आंसर इज बी ऑप्शन इट इज़ बी ऑप्शन Hydro, hydrogen gas helps in floating of magnesium okay yes next question is your question number 28 the table shown below gives information about the substances a b c and d okay इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताई है तो आपको आइडेंटिफाई करना है आयनिक कंपाउंड एक बात मैं बेटा यहाँ पे समझा दूँ कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ओके तो मेल्टिंग पॉइंट इनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो बी और सी के दोनों के हाई हैं देन सॉलिड फॉर्म में तो पुअर कंडक्टिविटी होगी बिकॉज आइन्स फ्री नहीं है और लिक्विड एक्विज फॉर्म में होगी तो एच पॉजिटिव आइन्स की वजह से कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल गुड होगी आयनिक कंपाउंड्स में यानी बी और सी जो है वो हमको ठीक लग रहा है इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है यस राइट वन इज योर बी ऑप्शन बी एंड सी यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विने ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन ओके विने की शर्ट पर कड़ी का स्टेन है वाइट शर्ट पे ठीक है रेडिश ब्राउन हो जाती है जब हम इस पर सोप रब करते हैं लेकिन अगर हम इसको वॉश करते हैं अच्छे से रिंस करते हैं पानी के साथ तो अगेन ये येलो हो जाती है तो वट माइट बी द रीज़न फॉर हिज ऑब्जर्वेशन क्या होगा सोप इज़ एसिडिक इन नेचर बिल्कुल गलत बेसिक होता है सोप इज़ बेसिक इन नेचर ये तो सही है देन टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंच इन बेसिस बिल्कुल सही टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंच इन एसिड्स गलत तो इसका मतलब हमारे सही ऑप्शन कौन से आ रहे हैं इसमें बी पार्ट सेकेंड एंड थर्ड ओके तो यहाँ पर आपका क्या है राइट ऑप्शन बी वन सेकेंड एंड थर्ड बी इज राइट वन नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो ये आपकी डिटो बुक का क्वेश्चन उठाया हुआ है सी बी एस ई वालों ने जहां पर आपको फर्स्ट में जो बल्ब कनेक्ट किया है इसमें जो यूज़ किया गया है सॉल्वेंट दैट इज डाइल्यूट एच सी एल सोल्यूशन तो एच पॉजिटिव आइन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो बल्ब इसमें ग्लो करेगा फर्स्ट ऑप्शन में ओके देन सेकेंड में लिया है शुगर सोल्यूशन नो फ्री एच पॉजिटिव आइंस तो इसमें नहीं होगा देन थर्ड में अगेन एल्कोहल इज देयर नो बल्ब विल नॉट ग्लो यस फोर्थ ऑप्शन में देखिए लाइम वाटर यूज़ हो रहा है एच पॉजिटिव आइंस आर देयर इसका मतलब फोर्थ में भी होगा तो ऑप्शन देख लें जरा इसके क्या है यस राइट ऑप्शन इज फर्स्ट पार्ट में भी हो रहा था और आपके फोर्थ में भी हो रहा है तो बी ऑप्शन इज राइट वन फर्स्ट एंड फोर्थ नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से लेके थर्टी फाइव तक आपको टू स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अजर्शन और रीजन की आंसर दीज क्वेश्चन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो तो जो बोथ ए एंड आर अगर सही हैं तो दे आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो आप ए पे टिक करोगे ओके ए ऑप्शन ए लिखोगे वहां पे अगर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए देन बी इज़ देयर इफ एजरशन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स सी ऑप्शन इज देयर इफ एजर्शन इज फॉल्स रीज़न इज़ ट्रू डी ऑप्शन इज दियर तो लुक एट दीज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट एजर्शन क्या है आपके पास फ्रेश मिल्क है ना बेटा इन विच बेकिंग सोडा इज एडिड तो बेकिंग सोडा जो बेस है वो कर्ड को बनाने में लंबा टाइम लगाएगा बिल्कुल सही है क्योंकि कर्ड के लिए हमें क्या चाहिए हमें तो यहाँ पर एसिड चाहिए ठीक है अगर लेमन डालते ना हम तब जल्दी काम हो जाता लेकिन बेकिंग सोडा बेस डाल दिया और स्लो कर दिया प्रोसेस को तो एजर्शन बिल्कुल सही है लेकिन रीज़न यहाँ पे बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द पीएच वैल्यू ऑफ वैल्य। द फ्रेश मिल्क टू बिलो सिक्स बिल्कुल गलत है बेकिंग सोडा तो पीएच वैल्यू को डिक्रीज नहीं करेगा इंक्रीज करेगा तो हेयर एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स तो आपका क्या आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन तो क्या लिखोगे आप इसके आगे थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन के आगे सी ओके okay. यस नेक्स्ट थर्टी टू क्वेश्चन एजर्शन आपको दिया है ऑफ वेजिटेबल मैटर इन टू कम्पोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन गलत है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये एजर्शन फॉल्स है एजर्शन इज फॉल्स तो यहां पर आपका क्या आएगा आंसर डी नेक्स्ट थर्टी थ्री क्वेश्चन में देखिए एजर्शन रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड टिश्यू इन प्लांट्स बिल्कुल सही है लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है यहां पर आप लिखोगे सी नेक्स्ट एजर्शन दिया हुआ थर्टी फोर्थ क्वेश्चन में स्काई एपियर्स ब्लू इन द डे टाइम वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ सेवन कलर्स तो रीज़न तो उसकी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं सही अजर्शन तो सही है ठीक है रीजन सही है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है सही तो बी आएगा यहाँ पर इट इज बी येस नेक्स्ट ऑप्शन इज द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर देखिए बेटा विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन क्लियर कर दू मैं ये वो ऑक्साइड्स होती हैं बेटा जो बोथ uh, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करती हैं ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए आप एसिड और बेसिक्स दोनों में टिक कहाँ पे लगा हुआ है तो इट इज़ बी ऑप्शन ओके बी ऑप्शन है और डी है तो देखें ज़रा ऑप्शन में बी एंड डी दिया है येस yes दिया हुआ है योर राइट ऑप्शन इज बी वन ओके यस थर्टी सिक्स क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी यानी डबल सर्कुलेशन नहीं बतानी है आपने सिंगल सर्कुलेशन बतानी है तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए रैबिट दे रखा है मैमल नो no. फ्रॉक क्रोकोडाइल पिजन क्रोकोडाइल देखा फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें डबल सर्कुलेशन है देन वेल लेबियो पैनगुन इनमें भी डबल सर्कुलेशन है वेल इज अ मैमल देन शार्क डॉग फिश स्टिंग रे ये इनमें जो है आपका जो टू चैम्बर्ड हार्ट है और टू चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण जो यहाँ पर है सिंगल सर्कुलेशन है ठीक है तो राइट ऑप्शन एजिच वन डी वन इज द राइट वन ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सेवेंथ वट इज़ कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड अराउंड द एलवियॉली एंड ग्लोमुलस ऑफ नेफरॉन अब यहाँ ध्यान दीजिए आपकी जो एल एलवियॉली है लंग्स में जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो चारों तरफ से कैपलरीज ब्लड वेसल्स से घिरी हुई होती है है ना और ऐसे ही जो ग्लोमरुलर्स होता है नेफ्रॉन का वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं तो इनमें कॉमन क्या है तो कॉमन यही है भाई कि ये थिन होती हैं कैपलरीज होती हैं थिन वॉल्ड कैपलरीज जो रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड से तो आपका सही ऑप्शन है इसमें डी वन थिन वॉल्ड कैपलरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड ओके डी ऑप्शन इज राइट वन यस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू एनिमल्स ओके प्लांट्स का डिफरेंट प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का एज़ कम्पेयर टू वी पीपल नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट फॉलोड बाई प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन आपको ये बताना है कि प्लांट्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते तो आप क्या बताओगे फर्स्ट दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसप्रेशन ये तो फॉलो करते हैं दे सिलेक्टिवली फ़िल्टर टॉक्सिक सब्सटांसिज थ्रू देअर लीव्स नहीं भाई बिल्कुल नहीं सी ऑप्शन में देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज ओल्ड जाइलम बिल्कुल सही दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटांसिज इन टू द सॉयल अराउंड देम ये भी सही है सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है ये फॉलो नहीं करते दे सिलेक्टिवली फ़िल्टर टॉक्सिक सब्सटांसिस थ्रू देअर लीवस तो नहीं जाता क्योंकि टोमेटो के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही होता है तो आपका बी ऑप्शन है इसमें ठीक है ये फॉलो नहीं करते प्लांट्स देन नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज माइनस फोर पॉइंट जीरो डायप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज अ अब यहां पर आपको फॉर्मूला निकालना है ठीक है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन अपॉन एफ है तो अगर हमने फोकल लेंथ निकालनी है तो वन अपॉन पावर हो जाएगा तो यहाँ पर दिए दे, दे रखा है माइनस फोर पॉइंट जीरो डायोक्टर दे रखा है तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है ठीक है क्योंकि यहाँ आपको सेंटीमीटर्स से में दे रखा है तो डायोप्टर मीटर के बराबर होता है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर आपका आ जाएगा हंड्रेड से उसको आप डिवाइड करोगे जो ऊपर डेसीमल है इसलिए ऊपर आ जाएगा तो हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड बाई फोर इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो माइनस में आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो आपका सी ऑप्शन सही है यहां पे ओके सी ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट फिफ्टीन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर नाउ वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि आप थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे तब आपकी जो है हाफ पे कन्वर्ज होती हैं तो यहाँ पर साइज आपका सेम रहेगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का तो विच ऑप्शन इज राइट वन क्योंकि हम करते हैं ना टू एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ की डबल करते हैं तो फोकल लेंथ यहाँ पे फिफ्टीन सेंटीमीटर दे रखा है तो आप, आप उसको डबल करोगे तो थर्टी सेंटीमीटर बनेगा तो ए ऑप्शन इज राइट वन ओके नेक्स्ट देखिए फोर्टी फर्स्ट फोर्टी वन क्वेश्चन आपका इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटीरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इन तो बेटा ये मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से बताया था कि जो सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ही सिर्फ ऑर्गेनिज्म फूड मटीरियल को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन फॉलो कर रहा है यीस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड यानी कि ऑप्शन बी इज राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इन अ पर्सन द टिब्यूल पार्ट ऑफ नेफरॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल वट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन अगर टिब्यूल वाला पार्ट आपका फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर तो इसका मतलब आपका जो एक्स्ट्रा uh, वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा वाटर ही एब्जॉर्ब होता है ना ज़्यादा टिब्यूल वाले पार्ट में तो आपका यूरिन कैसे होने वाला है नहीं बनेगा यूरिन ये तो गलत है वो तो बन चुका किडनी में क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ यूरिन इज़ अनफेक्टेड ये भी गलत है यूरिन इज मोर कंसेंट्रेटेड नहीं भाई वो तो ज्यादा ऑब्जॉर्ब्शन होने पर कंसेंट्रेटेड होगा यहाँ पे तो एब्सॉर्शन हो ही नहीं रही वाटर की so, right right 43 आपको दे रखा है इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अस इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज एटी सेंटीमीटर एट वट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस तो भाई देखिए यहाँ पे थ्री टाइम्स दे रखा है तो आपने उसको डिवाइड करना है तो डी ऑप्शन सही है माइनस एटी डिवाइडेड बाई थ्री डी ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्थ

कन्केव मिररर है इन्वर्टेड इमेज होगी थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन देखते हैं इसका दिस इज़ अ कंकेव मिररर हाँ जी बिल्कुल सही कनकेव मिरर है एंड हैं फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव बिल्कुल सही कन्केव मिरर है और कन्वर्जिंग मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है तो आपने देख लिया आपके राइट right ऑप्शन थे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो देखिए कौन सा है फर्स्ट फर्स्ट नहीं सॉरी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो राइट ऑप्शन इज सी वन यस नेक्स्ट इज फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन मीडियम दे रखा है ये रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखेंगे डायग्राम मीडियम वन देन मीडियम टू थ्री अगेन मीडियम वन तो यहाँ पर बेटा आपको क्या बताना है इन द अबव डायग्राम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम है ना इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री बट एंगल टू इज लेस देन एंगल वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट यानी कि डायग्राम को फिर से देखते हैं ये साइंटिस्ट ने क्या बताया हमें कि ये जो एंगल्स हैं आपके एंगल वन जो है वो थ्री के इक्वल है ओके थ्री जो है वो फोर के इक्वल है लेकिन जो टू वाला एंगल है वो आपका लेस है एंगल वन से तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो उसकी राइट आपको बताता है रीज़न तो ए में बोला है मीडियम वन इज़ डेंसर देन मीडियम थ्री गलत मीडियम टू इज़ द रेयरेस्ट मीडियम ये भी गलत है देन मीडियम थ्री इज डेंसर देन मीडियम वन बिल्कुल गलत अब यहां देखो मीडियम वन एंड थ्री आर असेंशली द सेम मीडियम बट मीडियम टू इज डेंसर देन वन एंड थ्री ठीक है मीडियम टू वन और थ्री से ज्यादा डेंसर होगा इसीलिए ये कम है एंगल अदरवाइज ये इक्वल होना था तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका डी ऑप्शन इज राइट वन फोर्टी सिक्स क्वेश्चन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज़ वन पॉइंट सिक्स फाइव एंड दैट ऑफ फॉर एल्कोहल इज़ वन पॉइंट थ्री सिक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल तो यहाँ पर आपको बताना है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या आएगा बेटा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इज राइट वन सॉल्व करके देख लीजिए आपका आंसर आएगा वन पॉइंट टू वन ओके बी ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ टेन सेंटीमीटर ओके टेन सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसकी द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है टू मिलीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है आपने यहाँ पे तो कैसे निकालोगे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये

डिकार्डेड फॉर यूसेज by द कंपनी डिकार्डेड का मतलब होता है बेटा कि नेग्लेक्ट होना ठीक है टू गेट रेड ऑफ किसको उसने छोड़ा कौन से एलिमेंट्स को ठीक है कंपनी ने उनका यूज उन्होंने नहीं अपनाया तो आपका ए ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू देखते हैं ओके देन एक्स देखते हैं वाई नो no, देखिए आप एक्स में देखिए एक्स में मेलिएबिलिटी नो no, तो हमें केबल्स के लिए कोई मेलिबिलिटी नहीं चाहिए तो यहाँ पर मेलिएबल होना जरूरी है तो यहाँ पर आपका w डब्ल्यू ऑप्शन सही है लेकिन एक्स गलत है और अगेन वाई में नो no लिखा है नो no मेलिएबल ये भी गलत है देन जेड के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही नहीं है नो no लिखा है ना यहाँ पर देखिए समझिए इसको वो कह रहा है केबल मैन्युफैक्चरिंग में एलिमेंट्स को टेस्ट किया गया है तो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है थीके? अगर हम डब्ल्यू देखते हैं तो वो बिल्कुल सही है मेलिएबिलिटी भी है डक्टिलिटी भी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है लेकिन एक्स के केस के में देखिए एक्स के केस में मेलिएबिलिटी नहीं है तो हम इसको बाकी तो प्रॉपर्टीज देखेंगे ही नहीं देन वाई के केस में भी नहीं है इसको भी छोड़ दो वाई जेड के केस में आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो नो no लिखी है जबकि हमें केबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर येस yes चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में तो आपको आ, जो कंपनी ने एलिमेंट्स को डिस्कार्ड किया है वो कौन से हैं वो होने चाहिए एक्स वाई एंड जेड ओके तो राइट ऑप्शन इज बी वन आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन सेक्शन सी बेटा इसमें भी थ्री केसेस हैं क्वेश्चंस के सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ थ्री केसेस फॉलोड बाय क्वेश्चंस देयर आर अ टोटल ऑफ देर आर टोटल ट्वेल्व क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली टेन ओके तो जो फर्स्ट आप टेन क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे वही आपके इवेलुएट होंगे बाकी कंसिडर नहीं किए जाएंगे तो ध्यान से करेंगे आप केस स्टडी वाला क्वेश्चन है सॉल्ट स्टोरी है फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस नाइन वाश टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द सॉल्ट पैंस इन माराकनम अपोर्ट टाउन अबाउट वन ट्वेंटी किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट ठीक है तमिलनाडु में सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ये सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज अबोरियस प्रोसेस आपको मालूम ही है बहुत मेहनत लगती है इसमें सॉल्ट ऑफ ऑप्टेन इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैनुफैक्चर ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड जो आपने अपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा हुआ है वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके यूज इन बेकिंग बेकिंग सोडा बोलते हो आप जिसको एंड एज एन एंटासिड भी यूज़ होता है एंड इन सोडा एसिड फायर इनगुश्स में भी यूज़ होता है ये जो टेबल आपको दिया गया है बेटा इसमें वेरियस कंपाउंड्स का मास बताया गया है जब उनको वन लीटर सी वाटर को हमने इवेपोरेट किया तो हमको ये अलग अलग कंपाउंड्स मिले तो टोटल हमें जो सॉल्ट मिला इवेपोरेट करके दैट इज़ फोर्टी फाइव ग्राम्स ओके फोर्टी फाइव उसका वेट था देन इसमें से अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखने वाली बात है फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इनमें से कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा भाई जो कार्बोनेट कंपाउंड होगा वही रिलीज करेगा तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट ये रिलीज करेगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 तो टोटल वेट कितना है सॉल्ट का 45 है ओके टोटल वेट आपका कितना है 45 दे रखा है ना इसमें सॉल्ट का जो आपको मिला है तो so, इसका मतलब आपने बताना है यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम सल्फ़ेट का आइए ज़रा देख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फ़ेट येस इसका सिक्स दे रखा है टोटल सॉल्ट का फोर्टी फाइव है तो so, यहाँ पे आपका फार्मूला क्या लगने वाला है सिक्स अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्ट टोटल अपटेन किया जो फोर्टी फाइव कितने में से आपको बोला है वन थर्टी फाइव तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा एटीन ओके एटीन ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड तो सोडियम क्लोराइड यानी एन ए सी एल के सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप क्या बोलते हो आपने बुक में पढ़ा है ना तो दैट इज नोन एज वट ये ब्राइन ए ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट वट इज़ द पी एच ऑफ द एसिड विच इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट तो कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए हमें एच सी एल चाहिए होता है एसिड तो so, आपको पता है एच सी एल का जो पी एच है दैट इज बिटवीन वन टू थ्री ए ऑप्शन इज़ राइट वन अब नेक्स्ट केस दे रखा है ये आपको बायो का पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट दे दिया हुआ लाइफ प्रोसेस का दो फिगर्स दिए हैं आपको ठीक है हेल्दी पॉटेड प्लांट्स हैं कैप देन आ, इनको आपने सेवनटी टू सेवेंटी टू आवर्स तक डार्क में रखा के ओ एच एक वॉच ग्लास में आपने सेटअप एक्स में रखा है और सेटअप वाई में आपने के ओ एच नहीं रखा दोनों सेटअप्स में एयर टाइट हैं दोनों यानी कि एयर इनमें नहीं जा सकती सिक्स आवर्स के लिए आपने इनको फिर लाइट में रख दिया फिर आप इनका आयोडीन टेस्ट कर रहे हो एक लीफ ले रहे हो दोनों में से एक्स एंड वाई में से देखिए एक्स में आपने के ओ एच रखा हुआ है वाई में नहीं रखा अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव एसेंशियली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपको याद होगा कि हमने किसकी रिक्वायरमेंट के लिए किया था ये कार्बन डाइऑक्साइड की ओके सी ऑप्शन इज राइट वन देन द फंक्शन ऑफ के का क्या फंक्शन होता है बेटा इट इज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ओके देन फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीव फ्रॉम प्लांट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पर आपका जो अब आप यहाँ देखिए इधर देखिए जब ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्स में के ओ एच एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा जिसके कारण स्टार्च नहीं बनेगी तो आयोडीन टेस्ट ये शो करेगा इसकी लीव शो नहीं करेगी है ना तो अब इसका आंसर आपके लिए इजी हो गया फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपके लिए इजी हो गया दैट इज सी ऑप्शन आएगा आ, फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन में सॉरी बी ऑप्शन आएगा बी वन ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑप्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है और कोई कलर चेंज नहीं होगा एक्स में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी इसलिए आयोडीन टेस्ट भी नहीं देगी उसकी लीफ यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एयर टाइट कौन सा स्टेप होगा तो प्लेसिंग द प्लांट और ग्लास प्लेट बिल्कुल सही है यूजिंग अ सक्शन पैम्प नहीं अप्लाइंग एसिल टू सील द बॉटम ऑफ येस हमने सील किए थे क्रिएटिंग वैक्यूम नहीं ये भी गलत है तो इसका मतलब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड तो फर्स्ट वाला भी फॉलो कर रहे हैं हम थर्ड वाला भी कर रहे हैं तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ओके नेक्स्ट देखिए केस नूर है एक यंग स्टूडेंट है वॉज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क शी कैप्ट एक्स इन साइड द बॉक्स एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेस पास थ्रू द होल्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स शी हैड अ स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन टू सी द स्पॉट्स ऑफ लाइट बींग कास्ट एज दे इमर्ज तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है आपका ये देखिए ये डायग्राम है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वट वुड बी द एक्स दैट शी प्लेस्ड इन साइड द बॉक्स टू मेक द रेस बिहेव एज शोन तो देख लेते हैं एक्स क्या है एक्स बेटा एक पैरल साइडेड ग्लास ब्लॉक है ओके okay? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरल हैं पैरल साइडेड ग्लास ब्लॉक है ये तो आपका बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट शी मेयर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी फोर्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री शी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल एक्स इन साइड द बॉक्स वॉज वन पॉइंट फाइव वट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की पॉसिबल uh, वैल्यू क्या होगी तो दैट इज अगर जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चे तो इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन थर्टी डिग्री ओके नेक्स्ट इज यहाँ वैल्यू दे रखी है साइन फोर्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री की जीरो पॉइंट सेवन फाइव नौ फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन ओके तो इसका सही आंसर है थर्ड एंड फिफ्थ यानी कि एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास

इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वॉज मेड ऑफ अ मटीरियल विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन वन पॉइंट फाइव अगर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है बॉक्स का मटीरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन वन पॉइंट फाइव है तो बेटा आपका आंसर क्या है लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेस वुड हैव बीन लेस ए पार्ट इज द राइट वन नो no questions इन lieu ऑफ डायग्राम बेस्ड questions फॉर ये क्वेश्चंस भी चलो हम कर लेते हैं ठीक है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये टोटल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस ट्वेंटी सिक्स सेक्शन ए देखिए अ गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद इन ग्रैल्यून्स आपको पता है पॉप साउंड निकलती है सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चंस भी हाइड्रोजन गैस बी ऑप्शन ओके देन मेटल एक्स विद डाइल्यूट एच सी एल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट तो आपका एक्स क्या होने वाला है यहाँ पे जिंक ओके okay? क्यों मर्करी वैसे लिक्विड है सिल्वर लेस भी है जिंक इज द राइट ऑप्शन डी ऑप्शन देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एक्सेस एसिड डालोगे आप ठीक है Alkali में तो सॉल्ट वाटर जो प्रोड्यूस तो होंगे ही लेकिन सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा रिएक्शन होने के बाद तो दैट इज ज़्यादा एसिड डाल रहे हो ना तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में एसिड डालोगे तो आपका राइट right आंसर होने वाला है एसिडिक बी ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट फंक्शन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एलवियोली थीन सैक होते हैं स्ट्रक्चर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सही है डाइफ्राम क्या होता है ये पुल्ड अप होता है जब ब्रीद इन करते हैं गलतिया इट सपोर्टेड बाय बॉनी रिंग्स कंडक्टिंग नहीं भाई ये कोलैप्स होने से बचाता है रिब्स वेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर लिफ्टेड अगेन दिस इज रॉन्ग ए ऑप्शन इज राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ में देखिए आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट इनजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन एल है आपकी माउथ कैविटी तो इसमें से सबसे पहले माउथ कैविटी से रिलीज होगा आपका अमाइलेस ओके देन स्टमक से होगा पेप्सिन स्मॉल इंटरसाइन से ट्रिप्सिन सो राइट ऑप्शन है आपका बी वन यस नेक्स्ट फोर्टींथ क्वेश्चन गिवन बिलो आर द फंक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पलनरी वेन जो है टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बिल्कुल गलत बॉडी पार्ट से हार्ट में नहीं लेके जाती है ठीक है ये तो लंग्स से लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में तो ये तो गलत है आपका फर्स्ट ऑप्शन आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है ठीक है लेकिन हार्ट टू लंग नहीं हार्ट टू बॉडी पार्ट जाती है डॉर्सल एटा टेक्स डी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स गलत है देन विनेकेवा येस yes. क्योंकि डॉर्सल एटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है बच्चे अब देखो विनेकैवा टेक्स डी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम बिल्कुल सही है डी ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन वट हैपन्स वेन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ ब्लड बाई ह्यूमन हार्ट क्या होता है अगर आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट का और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका ब्लड जो है ना वो ट्रांसफर होगा अगर आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए और अगर आपका राइट सॉरी राइट वेंट्रिकल होगा कॉन्ट्रैक्ट तो आप लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा पम इनटू वेरियस ऑर्गन्स ओके तो आपका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर लंग्स में ओके okay, और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर इट पंप इन टू वेरियस ऑर्गन्स दिस इज योर राइट आंसर बी ऑप्शन सिक्सटींथ क्वेश्चन देखिए सिक्सटींथ क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट माउथ कैविटी लीवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ट स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन ये क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट बी के साथ जाएगा इनिशियल फेस ऑफ स्टार्स डाइजेशन सेकेंड सी के साथ जाएगा इंक्रीज देंसी थर्ड डी के साथ जाएगा दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन और फोर्थ वाला द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट तो आपका बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन इज राइट वन ये क्वेश्चन हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए इफ ए वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बाई अस कैसी बन रही है इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट तो ये है आपका कन्वेक्स लेंस और जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है सी ऑप्शन इज राइट वन आपने ये सारे केसेस कर रखे हैं लाइट चैप्टर में सी ऑप्शन इज राइट वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the situation where an object is 3 cm height mirror is concave with 6 cm focal length object is placed at the center of the curvature तो so, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट आपकी मैग्निफिकेशन जो निकलने वाली है दैट इज माइनस वन ठीक है क्योंकि mirror आपका है कनकेव माइनस में आएगा आंसर इसका तो दैट इज योर मैग्निफिकेशन इज माइनस वन बी ऑप्शन इज राइट वन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इफ अ रे पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास इन अ स्पेरिकल ग्लास स्लैब एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्लैब विदाउट डेविएशन देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ऑन द ग्लास स्लैब इज ट्वेंटी थर्ड में आपका आंसर आना है जीरो इट इज ऑप्शन बी नेक्स्ट आउट ऑफ ऑल कलर्स मेकिंग द वाइट लाइट विच वन विल डेविएट द मोस्ट वायलिट पासिस थ्रू अ प्रिजम दैट इज वायलिट विबग्योअर की याद कर लो थोड़ी बी ऑप्शन इज राइट वन ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन इवन दो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट हावेवर डिस्टिल्ड वाटर कैनॉट बी इलेक्ट्रोलाइट भाई क्या रीजन है इसका डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ डिजोल्व ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ठीक है इसलिए वो करता है रेन वॉटर कंसिस्ट डिजोल्व ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर तो राइट ऑप्शन इज बी वन देन नेक्स्ट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर फ्लोटिंग ऑफ मैग्नीशियम इन डायल्यूट एच सी एल इज ड्यू टू मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डायल्यूट एच सी एल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग सो राइट ऑप्शन इज बी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा इसमें आपने बताना है कि इन सोल्यूशन में से आप इलेक्ट्रोलाइट्स किसको यूज करोगे तो फर्स्ट वन इज डायल्यूट एस जी एल बिल्कुल सही शुगर सोल्यूशन नो एल्कोहलिन वाटर नो लाइम वाटर बिल्कुल सही तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है फर्स्ट एंड फोर्थ देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है Yes, it is first and fourth. Right option is first and fourth, B option. Yes. Next question, question number four. Nalilun draws a ray diagram for an object in front of a concave mirror. She draws a ray starting from the top of the object and falling on the mirror perpendicularly.

सेटअप वाला क्वेश्चन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक्सपेरिमेंट किया था सी ऑप्शन फंक्शन क्या है के एच का कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना देन बी ऑप्शन सही था फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन में आयोडीन टेस्ट क्यों नहीं करेगा बी ऑप्शन इज राइट वन देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका था सी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमने सेटअप में किए थे फर्स्ट एंड थर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा मैं दे चुकी हूँ आपको बेटा इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट पूजा यूज अक्वीलेटरल ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड प्रोजेक्टेड अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट सोर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रिज्म शी प्लेस द स्क्रीन ऑन द अदर साइड एंड सॉ मेनी कलर्स अपेयरिंग एज पैच ऑन द स्क्रीन

राइट वन डिस्पर्जन का फिनोमिना है ये देन द रीज़न वाई शी कुड नो सी एनी अदर कलर वैन द राइट लाइट वॉज यूज वॉज कोई और कलर क्यों नहीं देख पाई वो तो रेड कलर जो होता है ना बच्चे इज़ मोनोक्रोमेटिक ओके देन योर आर फिफ्टी नाइंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट पूजा कैन गिव टू हर फ्रेंड्स टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना तो इसमें आपका राइट ऑप्शन आएगा

Rainbow is the natural phenomenon. C option is right one. Okay. C option is right one. This is your solved sample paper of science.